दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं राधा कॉन्सेप्ट को, और राधा कॉन्सेप्ट में बहुत यूनिक यूनिक से कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे राधा जो कॉन्सेप्ट है उससे कैसे कैसे सवाल आते हैं और आगे पेपर में आ भी रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना राधा कॉन्सेप्ट और जानोगे कि राधा कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आज का हेडिंग लगा लो राधा कॉन्सेप्ट। राधा कॉन्सेप्ट। अब क्या है राधा कॉन्सेप्ट? जैसे मान लो राधा श्याम से मिलने निकलती हैं और निकलने के बाद दोनों एक दूसरे से कहीं बीच में जाके मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या क्या यहाँ पर होता है वो हम देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ राधा थी, कोई पॉइंट ले लो ए, ए पे राधा थी, ये एस वन किलोमीटर पर हावर की स्पीड से इधर की ओर निकलती हैं श्याम से मिलने। यहाँ बी पर श्याम थे, ये एस टू स्पीड से, एस टू किलोमीटर पर हावर की स्पीड से राधा की ओर मिलने निकलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को मिलन का वादा किया, और मान लो यहाँ किसी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, राधा जो है वो इधर की ओर श्याम के घर की तरफ निकल लेती हैं, और श्याम जो है वो राधा के घर की ओर निकल लेते हैं। तो क्या होता है वो आप देखोगे यहाँ पर। जैसे मान लो राधा एस वन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही हैं, तो निकलने से पहले इन्हें टाइम को कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन जब राधा श्याम के घर की ओर निकलती हैं तो इन्हें टाइम को कैलकुलेट किया, और राधा ने देखा राधा को श्याम के घर तक जाने में टी वन आवर लगे। ठीक है, टी वन घंटे लगते हैं, और श्याम को यहाँ से राधा की घर की ओर निकलने में टी टू घंटे लगते हैं। ठीक है, समझ पा रहे? राधा इधर यहाँ पर मिलती हैं श्याम से, और राधा यहाँ से श्याम के घर चली जाती हैं, और श्याम जो है राधा से मिलके राधा के घर चले जाते हैं। तो यहाँ से राधा की स्पीड एस वन है, तो यहाँ से श्याम के घर तक चलने में उसे टी वन घंटे लगे, और श्याम को यहाँ से राधा के घर तक जाने में उसे टी टू घंटे लगे। तो मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पर कि राधा ने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तय की होगी? तो डिस्टेंस कितनी तय की होगी वो आप लोग देखोगे, उसने डिस्टेंस तय की होगी एस वन टी वन, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है स्पीड इंटू टाइम। और श्याम ने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तय की होगी? भाई श्याम ने T2 समय लिया था, और श्याम S2 स्पीड से चल रहे थे, तो ये हो जाएगा S2 T2, यहाँ तक श्याम ने डिस्टेंस तय की। तो मैं आपसे पूछूं जी, टोटल डिस्टेंस क्या थी, मतलब राधा के घर से श्याम के घर की टोटल डिस्टेंस कितनी थी? तो आप यहाँ पर देखोगे जी, टोटल डिस्टेंस जो निकल के आई S1 T1 प्लस S2 T2। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे एस वन टी वन प्लस एस टू टी टू, यही दोनों की डिस्टेंस हो जानी। ठीक है, अब हम ये देखें यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। अभी तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हम यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखाएंगे। जैसे मान ले रहे हैं दोनों ने यहाँ पर मिलने में, मान लो टी वन टी टू समय ना लेके टी वन समय लिया हो। अब आप लोग जानते हो जब मिलन का टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के कैसे होता है, बराबर होता है। मान ले रहे हैं, मान लो राधा ने यहाँ से यहाँ तक मिलने में टी टाइम लिया होता, श्याम ने मिलने में टी टाइम लिया होता, मतलब दोनों का टाइम टी है। ठीक, मैं यहाँ पर राधा बोल रहा हूँ, यहाँ श्याम का होता है, लेकिन दोनों का टी टाइम तो बोला, दोनों ने टी टाइम लिया। जब यहाँ स्मॉल टी दिखाया तो यहाँ पर भी स्मॉल टी कर लो इसे। ठीक है, तो आप देखोगे जब टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो कैसे बराबर होता है, तो हम देखेंगे स्पीड एस वन बटे एस टू डिस्टेंस के रेशियो के कैसे होगा, बराबर होगा जी। तो जब डिस्टेंस की बात कह रखा है तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी एस टू टी टू, ये डिस्टेंस कितनी थी एस वन टी वन।
तो हम देखें एस वन इधर आ जाएगा, एस टू इधर आ जाएगा, तो ये बना हमारा एस वन का स्क्वायर, ये बना एस टू का स्क्वायर, और ये यहाँ पर बचा टी टू बटे टी वन। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। तो हमने एक बात ये देखी यहाँ पर, जो दूसरी, ये पहली बात हमने ऑब्जर्व की यहाँ से। दूसरा, जो आज तक आपने फार्मूला पढ़ा था एस वन बटे एस टू बराबर अंडर रूट टी टू बटे टी वन, वो इस प्रकार से सॉल्व होता है, ठीक है। आज तक ये फार्मूला आपने केवल याद कर रखा होगा, लेकिन इस प्रकार से ये फार्मूला हमने यहाँ पर निकाल के दिखाया, ठीक है। एक तरीके से हम और भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं, एक तरीके से और भी देख लो आप, उससे भी हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। जैसे भाई मिलन का टाइम सेम है, तो दोनों ने टाइम कितना लिया था, टी। अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना होगा, तो आप देखो अगर टाइम यहाँ पर टी है तो इस टी किसके बराबर हो जाएगा, एस टू टी टू बटे एस वन, और टाइम यहाँ पर देखें तो एस वन टी वन अपॉन एस टू। तो यहाँ देखोगे भाई एस वन एक हो जाए, एक तरफ हो जाएगा, एस टू एक तरफ हो जाएगा, तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से भी निकालूँ तो ये आ जाएगा एस वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा एस टू का स्क्वायर, यहाँ बचेगा टी टू बटे टी वन। मैंने दोनों को पलट दिया है, पलटने से कुल मिला के मेरे पास यही निकल के आ गया, ठीक है। तो देखो इससे हम तीसरी चीज़ और फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, इस चीज़ से बहुत बढ़िया एक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। उसमें हमें क्या करना होगा, अगर हमें मीटिंग टाइम पूछ ले कि दोनों राधा और श्याम एक दूसरे से कितने टाइम पर मिले होंगे, तो टाइम अगर निकालें मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर टी टाइम था, तो मान ले रहे हैं यहाँ पर जो टी है यहाँ पर कितना आएगा, एस टू टी टू बटे एस वन। अगला दूसरे का टाइम निकालें तो एस वन टी वन अपॉन एस टू। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं टी इंटू टी, तो यहाँ देखोगे एस टू टी टू बटे एस वन, यहाँ एस वन टी वन अपॉन टी टू। तो आपने देखा एस वन से एस वन यहाँ कट गया, और यहाँ एस टू होगा सॉरी, और एस टू से एस टू, तो हमारे पास क्या बचा, टी स्क्वायर बराबर ये बचा टी वन इंटू टी टू। तो हमने तीसरी बात यहाँ से ये जानी कि जो अगर मीटिंग टाइम निकालें, ठीक है, यहाँ से देखो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो तीसरी बात हमने यहाँ से ये निकाली कि इनका मीटिंग टाइम, तो यहाँ पर जो हमने तीसरी चीज़ ऑब्जर्व की वो हमने देखा, जो मीटिंग टाइम है मतलब मिलन का समय, मीटिंग टाइम वो कितना आया, टी बराबर अंडर रूट टी वन इंटू टी टू, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसमें फाइंड आउट किया। आज तक आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन आज हमने यहाँ पर राधा के जरिए कैसे इन फार्मूलों को फाइंड आउट किया वो आपने देखा। तो इन्हीं फार्मूले पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो हम देखेंगे इसे, उससे पहले इसे मिटाते हैं जल्दी से। तो देखो एक बहुत खूबसूरत सा सवाल करेंगे हम लोग। सवाल पहला ये है हमारा, सवाल ये, राधा श्याम से मिलने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती हैं, और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे की दूरी, एक दूसरे की दूरी का मतलब राधा जो है वो श्याम की दूरी तय कर रही है, और श्याम जो है वो राधा की दूरी, मतलब एक दूसरे के घर की ओर निकल ली है। तो दोनों एक दूसरे की दूरी 24 मिनट में और 54 मिनट में तय करती हैं। अगर दोनों घर से 10 बजे चले हों तो उनके मिलन का समय क्या रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, पहले स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें टाइम दे रखा है, तो हमने यहाँ पर टाइम से जाना है कि मिलन का टाइम क्या होता है, टी बराबर अंडर रूट टी वन इंटू टी टू, उसी से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप ऐसा समझो, पहले यहाँ राधा थी, यहाँ श्याम थे, मान लो दोनों इस पॉइंट पर मिले होंगे। मिलने के बाद राधा इधर की ओर चली गई, और राधा इधर की ओर कितने मिनट में तय की इनने दूरी, 24 मिनट में, और श्याम इधर की ओर चलते हैं राधा के घर की ओर, उनने 54 मिनट में ये डिस्टेंस तय की। अब अगर दोनों अपने अपने घरों से 10 बजे चले हैं तो कितने समय पर जाकर मिले होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो जरा, हमसे मीटिंग टाइम पूछ रहा है, तो मीटिंग टाइम क्या होता है जी, मीटिंग
टाइम, टी बराबर होता है अंडर रूट टी वन इंटू टी टू। तो टी वन कितना हुआ हमारे पास 24 मिनट और टी टू 54। तो यहां देखें ये हुआ 6 चौक 24 और ये हुआ 6 नेम 54। तो हम देखेंगे 6 बाहर आ गया यहां से, यहां 2 बाहर आ गया, यहां 9 था यहां 3 बाहर आ गया, 6 दूनी 12 12 3 36। टी बराबर आ गया हमारे पास 36 मिनट, मतलब दोनों को एक दूसरे से मिलने में 36 मिनट लगे थे। जब 10 बजे घर से चले हों तो मीटिंग टाइम कितना आ जाएगा जी 10:36। ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। दोनों अगर 10 बजे चले हैं तो दोनों एक दूसरे को 10:36 पर मिलेंगे, ये इस बात का उत्तर है, ठीक है। एक और करते हैं सवाल बढ़िया सा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ राधा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो जल्दी से करते हैं हम अगला एक और सवाल लेते हैं, ऐसा ही देखते हैं और कैसे कैसे सवाल बनना है इस पर। अगला एक बहुत सुंदर सा सवाल, एक और, राधा ए से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और श्याम बी से एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं और सी पर मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के रास्ते पर निकलते हैं और जो राधा हैं वो श्याम के घर 4 घंटे में और श्याम जो है राधा के घर 9 घंटे में पहुँचते हैं। तो ये आपसे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या पूछ सकता है। ये कह रखा है स्पीड ऑफ श्याम, मतलब श्याम की स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ, मीटिंग टाइम बताओ, किस समय दोनों मिले होंगे। तो इस बात को आप ऐसे समझो, बात कह रहा है राधा की और बात कह रहा है श्याम की। राधा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और श्याम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों एक दूसरे के पास चले। ये A से चली थी और ये कहाँ से चले, B से चली थी, अपने अपने घरों से, और C पर कहीं जाके मिले। C पर जैसे ही मिले तो श्याम जो है वो राधा के घर चल दिए और राधा जो है श्याम के घर चल दी। तो यहाँ पर राधा को पहुँचने में 4 घंटे लगे और श्याम को पहुंचने में 9 घंटे लगे। तो इनने कह रखा श्याम की स्पीड बताओ कि श्याम कितनी स्पीड से चल रहा था, और कह रखा था कि दोनों के घरों के बीच की दूरी बताओ। तो दोनों के दिलों के बीच की दूरी तो 0 है, लेकिन घरों की दूरी पूछ रहा है और कह रहा है कि मीटिंग का टाइम बताओ कि दोनों के मिलन का समय क्या रहा होगा। तो डिस्टेंस हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें स्पीड पता होगी। तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लें। तो स्पीड का मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1, यही था। तो यहाँ देखेंगे S1 कितना है हमारे पास 30, S2 कितना है जी श्याम की स्पीड x है, यहाँ पर टाइम दूसरा वाला T2 कितना है, T2 है हमारे पास 9 घंटा और T1 कितना है जी 4 घंटे। ये हमारे पास 3 बचा, ये 2 बचा, 3 से इसे काटोगे 3 धाम 30, 10 से इसे ले जाओगे तो x बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो श्याम है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, श्याम की स्पीड आ गई। अब हमसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दोनों के घरों के बीच की दूरी हमें निकालनी है जी। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, S1 T1 + S2 T2, मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ। S1 कितनी थी हमारे पास 30 और T1 कितना था हमारे पास 4 घंटे, प्लस S2 कितनी आ गई हमारे पास 20 और T2 यहाँ पर कितना है 9 घंटे। तो 4 3 12 120 और 2 18, तो ये हमारे पास ये आ गया 120 और 2 18 180, 300 किलोमीटर
ये इन दोनों के घरों के बीच की दूरी है। टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली कि दोनों के घरों के बीच की दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। मीटिंग टाइम पूछ रहा है यहाँ पर, तो मीटिंग टाइम निकाल लो। मीटिंग टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट टी वन इंटू टी टू। टी वन कितना है 4, टी टू कितना है 9, 2 × 3 = 6, मतलब 6 घंटे इनका मीटिंग टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जी 6 घंटे। ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आज हमने जाना कि देखें हमने कैसे कैसे राधा कॉन्सेप्ट में सवाल किए, बहुत यूनिक से सवाल किए, और यहाँ पर 3 कॉन्सेप्टों को जाना था कि दोनों के घरों के बीच की दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो S1T1 + S2T2 होती है। 2 फॉर्मूले और जाने थे यहाँ पर, एक S1/S2 √T1/T2/T1, यहाँ T1 होगा जो मैं यहाँ भूल गया हूँ, यहाँ T1। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हमने क्या जाना, मीटिंग टाइम निकालने का। ठीक है, वो होता है T√T1 × T2। ठीक, तो इसी उत्साह उमंग के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और वहीं से कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, या शायद नहीं कहा था, मैं भूल गया हूँ, कि राधा कॉन्सेप्ट ही हमें बीच में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम जैसे चल रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, वैसे ही अगले पार्ट में चलेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।